हे गाइज वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल ईजी मेकअप माई नेम इज़ करिश्मा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट दी बेल आइकॉन तो आज मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल सा मेकअप शेयर करने जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप सारा मेकअप शेयर करूंगी एक भी स्टेप अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका मेकअप खराब हो सकता है इसलिए बहुत ध्यान से देखना वैसे वीडियो को मैंने बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया है तो फिर आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे ना तो सेम मेकअप कर सकते हैं सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है तो मॉइस्चराइजर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है बायोटिक उसके बाद मैंने एरिक यूज़ किया है हेल्दी ग्लो जिससे कि हेल्दी हो सके स्किन और अच्छे से डुई इफेक्ट आए बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगा इससे मेकअप उसके बाद मैंने अच्छे से मिस्ट यूज़ किया है किसी भी ब्रांड में आप मिस्ट ले सकते हैं या फिर यहाँ पर आप सेटिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया था एस ऑफ बेस रिकोड प्राइमर बहुत अच्छा है ऑल स्किन टाइप है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्वान्टिटी आपको स्किन के अकॉर्डिंग लेनी है आपकी स्किन पर पोर्स तो नहीं है या फिर आपकी स्किन टेक्स्चर वाली तो नहीं है या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली तो नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग ही क्वांटिटी लेनी होती है प्राइमर की उस... के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आई प्राइमर आप चाहें तो कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं बट कंसीलर यूज़ करने से लाइंस आ जाती हैं इसलिए मैं हमेशा आई बेस या फिर आई प्राइमर ही यूज़ करती हूँ तो आप इस तरह से अच्छे से आपने अप्लाई करना है ब्रश के साथ अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ब्रश के साथ अप्लाई कर सकते हैं अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको उसको ब्लेंड करना है और फिर लॉक करना है एक अच्छे लूज़ पाउडर से ट्रांसलूसेंट लूज़ पाउडर लेना उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लैक पेंसिल यूज़ की है री की उसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया था कहीं भी लाइन्स नहीं चाहिए आपको एक आ, मैसी सा क्रिएट करना है एकदम जहां पर क्रीज लाइन होती है मैसी मैसी कर देना है ब्लैक के साथ उसके बाद उसको आपके आउटफिट से मैच होता हुआ मैंने ब्राउन कलर लिया है ब्राउन ब्राउन पिंकिश उसमें पिंक मिक्स किया था ब्राउन में और उसको अच्छे से कर लिया था इसके ऊपर अप्लाई ब्लेंड कर दिया जहां भी इसकी एजेस थी उसको खत्म करने के लिए मैंने उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड किया उसके बाद मैंने पिंक कलर में ये शिमर आई अपने पैलेट से ही लिया फिंगर से और यहाँ पर लिड पर अप्लाई कर लिया आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे फिंगर से काफी अच्छे से अप्लाई हो जाता है अगर आप चाहें तो एक फ्लैट ब्रश के साथ भी इसको अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद जब मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया दोनों पर अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पर पेंसिल यूज की है सैरी और इसका जो कलर था पेंसिल का वो मेरी ज्वेलरी से थोड़ा थोड़ा मैच होता हुआ था तो मैंने ये पेंसिल अप्लाई की एज अ लाइनर इसको मैंने अप्लाई किया है उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ऑरेंज कलर करेक्टर जो कि था एले गर्ल बहुत ज़्यादा अच्छा है आप लोगों ने अगर यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि इसका रिजल्ट बेस्ट होता है ऑरेंज करेक्टर इसका तो आप इसको अपनी वैनिटी में ज़रूर रख लेना ज कलेक्टर आपको सिर्फ वही यूज करना है जहां पर पिगमेंटेशन हो अच्छे से उसको ब्लेंड कर लेना है ब्लेंड करने के बाद आपने यूज करना है फाउंडेशन तो फाउंडेशन यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ दो शेड्स मैंने यहाँ पर लिए हैं एक डार्क शेड और एक लाइट और प्रो फाउंडेशन यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ इसको मिक्स एंड मैच करके मैंने इनकी स्किन के हिसाब से कलर बनाया अब मैंने है मैंने अच्छे तो... से इसको मिक्स कर लिया था और अब मैंने अप्लाई करना है इनके फेस पर पहले मैंने देखा कि शेड कैसा लग रहा है इनके फेस पर उसके बाद मैंने अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसको ब्लेंडर

इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैंने एक छोटा फ्लैट ब्रश लिया बिल्कुल सी टाइप होता है ये गोल होता है एकदम राउंड इसके बाद मैंने इसमें ब्राउन कलर लिया था और इसको स्मज कर दिया बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया इससे क्या होता है स्मोक इफेक्ट आ जाता है आइज में और थोड़ा सा डेप दिखती है आइस के नीचे और अच्छी लगती है आइज उसके बाद मैंने इसको लाइट ब्राउन के साथ थोड़ा सा और ब्लेंड किया उसके बाद मैंने जो एक्सेस था जितना भी पाउडर मैंने लगाया था बेकिंग के लिए उसको हटा दिया उसके बाद मैंने यहां पर किया है कॉन्टोर तो कॉन्टोर के लिए मैंने के ब्यूटी पैलेट यूज किया है फॉर एवर फिफ्टी टू पैलेट यूज किया है मैंने यहां पर ब्लश के लिए तो ब्लश के लिए अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो तो फिर आपको ये पैलेट ले लेना चाहिए और और अगर ब्लश आपको सेल्फ यूज़ के लिए लेना चाहिए तो आप स्विस ब्यूटी ले सकते हैं शुगर ले सकते हैं और हाई एंड में आप टू फेस या शार्लेट टिलवरी ले सकते हैं लिपस्टिक यहाँ पर मैंने यूज नहीं की है मैंने सिर्फ सिर्फ लिप पेंसिल यूज़ की थी के ब्यूटी ब्राउन कलर था डार्क ब्राउन और उसको अप्लाई कर दिया था लिप्स पर एज अ लिपस्टिक उसके बाद मैंने फैंटी ब्यूटी यूज़ किया है लिप ग्लॉस बहुत अच्छे से इसको लगाने के बाद मैंने हाई यूज़ किया था और हाई मैंने यहाँ पर यूज़ किया था फॉर एवर इसके बाद मैंने यहाँ पर अच्छे से आई अप्लाई किए फिर से मैंने टॉप अप किया पेंसिल को जो मैंने पेंसिल यूज की थी सैरी पेंसिल है ये और ज्वेलरी से थोड़ा थोड़ा मैच हो रही थी इसको अप्लाई किया बहुत अच्छे से फाइनल लुक कुछ इस तरह का था फिक्सर यूज करना मत भूलना क्योंकि अगर आप फिक्सर यूज नहीं करते हो तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा बाय बाय